हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक त्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपके पार्टनर आपके बिना अब खुश हैं या नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, मैं आपके कमेंट्स कंटिन्यूसली पढ़ती हूँ और काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं, मैम ऐसा तो कुछ है ही नहीं, वो तो बहुत खुश है, वो तो बहुत अच्छे से रह रहा है, वो तो बहुत मजे में रह रही है, इस तरह से बोलते हैं। तो ये चीजें ही देखते हैं कि क्या वो एक्चुअली में खुश हैं या नहीं है, या दिखावा कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज जानने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपके पर्सन सही में खुश ही हो, तो ये चीजें देखेंगे। ठीक है गाइस, जनरल कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन रीडिंग देख सकता है, उसके अलग जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होने जा रही है। एनर्जीज थोड़ी सी वाइस वर्सा हो सकती है, इस चीज का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, थोड़ी सी चीजें हैं, अगर आप इनको ख्याल रखकर रीडिंग देखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी रीडिंग देखने में। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके बिना खुश हैं या नहीं है। करंट एनर्जीज देख रहे हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन खुश हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त में खुश हैं। पेशेंस, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आके एंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब इस वक्त उनके बिना खुश हैं या नहीं है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। द ड्रीम, इनोसेंस, कंप्लीटेशंस, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आते एंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड टीचर बताइए क्या मेरे व्यूअर्स इनर वॉइस। ठीक है, देखिए गाइस, सबसे पहली चीज तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप लोगों में ना दूरियां हैं। चाहे फिर आप ज्योग्राफिकली दूरियों पे रहते हो, चाहे आपका रिश्ता ही अपने पर्सन के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर अब इस वक्त आपके दिलों में इतनी दूरियां आ गई हैं कि आप ना जैसे पहले अपने पर्सन की एनर्जीज फील कर पाते थे कि ये दुख है, ये खुश है, ये चीजें जो फील कर पाते थे वो अब नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप लोगों के दिलों में दूरियां आ गई हैं, ये चीजें हैं। अब हमारा सवाल ये आता है कि क्या आपके पर्सन आपके बिना खुश हैं। तो देखिए गाइस, ये जो पहला कार्ड आया है ना, क्लींजिंग टू द पास्ट, ये होता है फाइव ऑफ कप्स का कार्ड। यानी कि आपके पर्सन आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत ज्यादा सैड एनर्जी में है। जो भी आप लोगों के बीच में पास्ट में हुआ, जो भी गलत हुआ, जिस वजह से आज की डेट में आप लोग इनकम्प्लीट हो गए हो, अलग अलग हो गए हो, वो चीजों का इन्हें बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। उस पास्ट को आपके पर्सन हटाना चाह रहे हैं, जो बैड पास्ट था, ताकि वापस से ये वो जो प्यारा पास्ट था जिसमें आप लोग एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे की बाहों में रहते थे, वो चीजें ये वापस से अपनी लाइफ में लेकर आ सके। आपके पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है, बल्कि आप लोगों के बीच में जो भी रीजन था, चाहे ट्रस्ट इश्यूज, मिसअंडरस्टैंडिंग, चाहे लड़ाई ही क्यों ना हुई हो किसी और की वजह से, तो ये उस बात को सोचकर बहुत ही सैड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। उस बात को अपनी लाइफ से डिलीट करना चाह रहे हैं कि वो बैड पास्ट किसी तरह से चला जाए और जब आप लोग साथ थे ना, वो पल इनकी लाइफ में वापस से आ जाए। आपके पार्टनर ने जो आपके साथ बिहेव करा, जो इन्होंने आपके साथ गलत करा, उन चीजों के प्रति ये आपको पूरी तरह से निर्दोष समझ रहे हैं। उन चीजों के प्रति इन्हें समझ में आ रहा है कि इसमें आपका कोई दोष नहीं था, सिचुएशन शायद ऐसी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग शायद उस वक्त इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि चीजें भी उसी हिसाब से बढ़ती रही। क्योंकि ये होता है ना कि छोटी सी चीज पे, जरा सी
मिसअंडरस्टैंडिंग या ट्रस्ट इश्यूज की आग लग जाती है ना, तो वो फैलती रहती है। वही आप लोगों की सिचुएशन में यहाँ पर हुआ है और आपके पार्टनर यही सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये आपका आज भी वेट कर रहे हैं विद दिस द पेशेंस कार्ड। डीप इनसाइड इनके दिल में यही बातें हैं कि आप लोग साथ में आ जाओ, आप लोग फिर से मिल जाओ, आप लोग फिर से कंप्लीट हो जाओ। लेकिन सवाल उठता है कि कैसे कैसे ये चीजें होंगी, कैसे ये चीजें, कैसे आप लोग मिलोगे, कैसे ये जो सपना देख रहे हैं आज की डेट में वो पूरा होगा। उन चीजों के मामले में बहुत ज्यादा पेशेंस लगाए हुए बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं, ये चीज दिख रही है। विद द इनर वॉइस कार्ड मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है गाइस। देखो, आपके पर्सन की जो इंट्यूशन है वो इस वक्त यही बोल रही है कि आप लोग ना वापस से मिल जाओगे। मतलब एक होप है इन्हें आपसे, तभी ये ऑब्वियसली आपका वेट कर रहे हैं। इन्हें होप है कि हाँ, एक दिन वो जरूर आएगा कि आप वापस से फिर से मिल जाओगे, आप लोग फिर से उसी रिश्ते में उसी तरह से प्यार से रहोगे। इन चीजों का इन्हें आज भी विश्वास है, इंट्यूशन भी इन्हें यही बोल रही है कि हाँ आप लोग मिल जाओगे, ये चीजें दिख रही हैं। जो भी आप लोगों के बीच में सिचुएशन हुई उस मामले में आपको अब ये पूरी तरह से निर्दोष तो समझने लगे हैं, ये चीजें दिख रही हैं। और उसका कारण ये है, जो भी हुआ आप लोगों के बीच में उस चीज का इन्हें आज की डेट में खुद पछतावा हो रहा है, खुद उन चीजों के प्रति डिसअपॉइंट हो रहे हैं, खुद उन चीजों के प्रति सोचकर सैड हो रहे हैं। और उस नेगेटिव पास्ट को, उस गलत पास्ट को जिसने आपको कंप्लीट होने से रोक दिया, आप शायद कमिटमेंट चाहते थे, ऑलरेडी कमिटेड थे, लेकिन फाइनली रिजल्ट क्या हुआ, इनकम्प्लीट हो गए, तो ये उसे पूरा करना चाहते हैं। और देखिए गाइस, मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है विद दिस द इनर वॉइस कार्ड कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे जो फील करते हैं ना, ये आपके लिए फीलिंग्स जो इनके दिल में, वो डेफिनेटली आपसे छुपा रहे हैं। क्योंकि इसका कारण ये है, इनके दिल में ये बातें चल रही हैं कि अगर सपोज ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो चीजें ना उस तरह से अब नहीं होगी, वो बात जो है जो पहले रिश्ते में थी ना, वो बात अब नहीं आ पाएगी। अगर रिश्ते की डोर एक बार टूटी है तो अब गांठ बंध जाएगी और वो बात नहीं आ पाएगी जो पहले थी। इसीलिए ना ये अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत प्रेयर कर रहे हैं और काफी ज्यादा इन्होंने अपने दिल में सीक्रेट्स भी छुपा रखे हैं। क्लैरिफाई करेंगे तो और पता चलेगा कि इनके दिल में आखिर चल क्या रहा है आपको लेकर। उसके अलावा गाइस, मैं सबसे पहले एक और चीज आपको बोलना चाहती हूँ कि कमेंट बॉक्स में आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ना एक दूसरे से पूछते हैं आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप इस नंबर पे शेयर करो अपने नंबर्स, आप शेयर करो, आप हमें अपना नंबर दो, हम आपको नंबर देते हैं। तो देखिए, ये सिर्फ आपका पर्सनल कन्वर्सेशन है, मेरा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना वो पर्सन मेरी साइड से है कि वो आपकी प्रॉब्लम पूछ रहे हैं, ना वो, मतलब आप पूरी अपनी रिस्क पर उन्हें अपना नंबर दे रहे हो, अपनी पूरी जिम्मेदारी आप उसकी अपने ऊपर लीजिएगा, मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज की नहीं आनी है। लेकिन मैं बस आपको इतनी वार्न करना चाहती हूँ कि आप किसी को अपना नंबर शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि एक नंबर के थ्रू दूसरा पर्सन आपके घर तक पहुंच सकता है। यू डोंट नो कि उस पर्सन का क्या इंटेंशन है आपको लेकर, तो बहुत सावधानी से अपना नंबर किसी और को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आजकल नंबर के थ्रू सारे एड्रेस निकल सकते हैं, सारे बैंक के अकाउंट की डिटेल निकल सकती है। तो मैं आपसे यही बोलूंगी कि पर्सनली पब्लिकली अपना नंबर बिल्कुल भी शेयर मत कीजिएगा। आपके घर तक कोई कैसा पर्सन किस इंटेंशन से पहुंच जाता है आपको नहीं पता है, ठीक है? तो किसी को भी बिलीव मत कीजिएगा। कोई आपसे पूछता है क्या प्रॉब्लम है, क्या है, आप जवाब ही नहीं दीजिएगा उसे कि हाँ मैं प्रॉब्लम में हूं, मैं परेशान हूं या कुछ है, कुछ जवाब मत दीजिएगा, ठीक है? मैं आपसे अपनी तरफ से तो यही रिक्वेस्ट करती हूँ, बाकी आपके ऊपर है, ठीक है? तो चलिए अब क्लैरिफाई करते हैं। पहले देखते हैं ये क्लींजिंग टू द पास्ट, ये ऐसा क्या आप लोगों के बीच में पास्ट हुआ जिसे अभी हटाना चाहते हैं, ऐसा कौन सा टॉक्सिक पास्ट था आप लोगों के बीच का जिसे ये अपने दिमाग से अब हटाना चाहते हैं, ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए ऐसा क्या पास्ट है जो व्यूअर्स के पर्सन अपने दिमाग से, दिल से, जहन से निकालना चाहते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। 1, 2, 3, 4।
द स्टार, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स एंड द लॉर्ड। देखिए गाइस, यहाँ पे आया है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। यहाँ पे आपका आया है एरीस की एनर्जी और यहाँ पे आपकी आई है एक्वेरियस एनर्जी। ठीक है, तो देखो गाइस, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच में पास में कोई थर्ड पार्टी थी विद दिस थ्री ऑफ कप्स कार्ड। ठीक है, जिस थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपके पर्सन ने ना आपको खोया, जो आप इनकी लाइफ में मायने रखते थे, जो आप इन्हें प्यार देते थे, आप इनकी केयर करते थे, आप इन्हें पैम्पर करते थे, नर्चर्ड करते थे, ओवरऑल इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, जिस थर्ड पार्टी की बातों में आकर इन्होंने आपको खोया ना, वो पास्ट को ये भुलाना चाहते हैं, उस पास्ट को निकालना चाहते हैं, उसे क्लींस करना चाहते हैं, उसी बात को लेकर इन्हें बहुत ज्यादा पछतावा है और दुख है ये यहाँ पर। हो सकता है कुछ कुछ के केसेस में कि आपके पर्सन ने ना किसी थर्ड पार्टी की बातों में आकर, पेरेंट्स की बातों में आकर किसी और से शादी कर ली, सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, जश्न मनाए, शादी करी, लेकिन अब इन्हें ना इसी की इनकी बातों में आकर जो इन्होंने करा ना, इन्हें उस चीजों का रिग्रेट हो रहा है। ये उन चीजों को अपनी लाइफ से, ये जो इन्होंने माना थर्ड पार्टी में चले गए, उस बात को अपनी लाइफ से क्लींस करना चाहते हैं और आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। और ये जो होप बनाए बैठे हैं, ये जो पेशेंस करे बैठे हैं, ये इस चीज का कि आप फिर से मिल जाओगे, आपका रीयूनियन फिर से हो जाएगा, इस चीज की ये होप बनाए बैठे हैं, ये चीजें दिख रही हैं। ओवरऑल ये आज भी आप ही के साथ रिश्ते में एक रीयूनियन तो चाहते हैं, लेकिन ये किसी और के इन्फ्लुएंस में आए, किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर रिश्ता खत्म करा, किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर आपसे दूरियां बना ली, ये चीजें दिखाई दे रही हैं, जिसे अब ये क्लींस करना चाहते हैं। काफी लोगों के केस में यहाँ पर पेरेंट्स इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने कास्ट के हिसाब से, आप लोगों के स्टेटस के हिसाब से, आपके परंपराओं के हिसाब से, एज गैप के हिसाब से, आप इनकी फैमिली में मर्ज नहीं हो पा रहे, उस हिसाब से आप लोगों को दूर करा है। तो इसी कंडीशंस को, जिस पे अब इन्हें पछतावा हो रहा है ना, इसे ये लाइफ से क्लींस करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, ये चीज दिख रही है। अगर ये खुश होते तो ये ऐसा कभी भी नहीं चाहते, इसके बारे में ये सोचते भी नहीं, ये उसी चीज में, उसी सिचुएशन में पूरी तरह से सेटिस्फाई होते अगर ये खुश होते तो। ठीक है, ये चीज दिख रही है। इनोसेंस को देखते हैं, अब किस मामले में आपके पर्सन आपको निर्दोष समझ रहे हैं, ऐसा क्या चीज हो गई है कि अब आपको निर्दोष समझ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए किस मामले में व्यूअर्स के पर्सन अब उन्हें निर्दोष समझ रहे हैं, गाइड कीजिए। 1 2 3 4 द मैजिशियन, द हर्मिट, टू ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, वर्गो की एनर्जी है और यहाँ पे जेमिनी एनर्जी है। देखो गाइस, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने ना आपसे दूरियां बना ली, जब ये आप लोगों के बीच में सिचुएशन हुई थर्ड पार्टी को लेकर, तो इन्होंने क्या करा ना, खुद से दूरियां बना ली आपसे, इन्होंने खुद से भी एफर्ट नहीं करा और आपको भी एफर्ट नहीं करने दिया। अगर आप एफर्ट कर रहे थे तो इन्होंने ना आपको भी दूरे परे करा, आपको भी अपनी लाइफ से कट करना चाहा, डिस्टेंस बना ली, मतलब एक तरह से जितना गलत बिहेव कर सकते थे उतना करा इन्होंने, ये चीजें दिख रही है। जिस मामले में ये अब आपको निर्दोष समझ रहे हैं, इन्हें ये चीजें समझ में आ रही है कि भाई इसमें आपका क्या दोष था, इसमें आपका क्या दोष था जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, ये चीजें के प्रति आपको निर्दोष समझ रहे हैं। ठीक है, काफी लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन में दिखाई दे रहे हो और मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये आपको निर्दोष समझ रहे हैं कि जब आप इन्हें कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करते थे, इन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते थे, लेकिन ये तब इरिटेट हो रहे थे आपके कॉल से, मैसेज से, कभी ब्लॉक कर दिया, कभी जवाब नहीं दे रहे हैं, मतलब ओवरऑल आपसे दूरियां बना रहे थे, डिस्टेंस बना रहे थे, तो ये आपको निर्दोष समझ रहे हैं कि आपका क्या कसूर था, आप तो सिर्फ इनकी तरफ बढ़ना चाह रहे थे, इस रिश्ते में एक रीयूनियन चाह रहे थे, काम कर रहे थे, अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे थे, उसमें आपका कोई दोष नहीं था, इस मामले में ये आपको दोषी समझ रहे हैं।
ये हम आपके लिए ये दोषी ये समझ रहे हैं निर्दोष आपको कि आप तो सिर्फ इनके लिए पॉजिटिव थे, आपने हमेशा इनको पॉजिटिव समझा जबकि ये आपके साथ गलत सलूक कर रहे थे, उसके बावजूद आप इनके लिए पॉजिटिव थे, उसके बावजूद इस रिश्ते में रीयूनियन चाह रहे थे, उसके बावजूद आप हर तरह से हर कोशिश में लगे पड़े थे कि आप लोगों का रीयूनियन हो जाए, आप लोग मिल जाओ। ये चीज़ों के प्रति आपको निर्दोष समझ रहे हैं कि भाई इन चीज़ों में आखिरकार आपका क्या कसूर था जो इन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार करा, ये चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, इन दोनों को एक साथ क्लैरिफाई इसीलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं आपको वापस से अपनी लाइफ में लाने के लिए, रीयूनियन में आने के लिए, अब अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन क्यों वाई ये चीजें देखते हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए क्यों अब ये वेट कर रहे हैं, क्यों अब ये कंप्लीट होना चाहते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए क्यों ये अब वेट कर रहे हैं, कंप्लीट होना चाहते हैं, अब ऐसा क्या हो गया है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। 1 2 3 4 टू ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखो यहाँ पे आया है टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या एंड मकर राशि, एरीज लियो एंड सजिटेरियस, मेष सिंह एंड धनु राशि, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या एंड मकर राशि। देखो गाइज, बेसिकली ना आपके पर्सन मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये जो आप वेट कर रहे हैं आपका और आपके साथ ही अब कंप्लीट होना चाहते हैं, उसका कारण ये है एट ऑफ पेंटिकल्स। इन्हें ना अपनी गलती का एहसास हो रहा है, इसीलिए ये आप लोगों के बीच की जो भी सिचुएशन है ना उसे सॉल्व करना चाहते हैं, ये चीजें दिख रही हैं, उस पर काम करना चाहते हैं जो इन्होंने नहीं करा। आपने यहाँ पे काम करने की बहुत कोशिश करी इस रिश्ते पे, इन्होंने नहीं करा, इन्होंने इनफैक्ट उस समय दूरियां बना ली, तो ये अब कंप्लीट करना चाहते हैं आप दोनों को अपने रिश्ते को, क्योंकि अब इन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है इसीलिए ये काम करना चाहते हैं। हो सकता है काफी ज्यादा स्ट्रेटेजीज भी बना रहे हो, काफी ज्यादा इस पे वर्क भी कर रहे हो, यहाँ पे ये भी चांसेस है। इन्हें बेसिकली गलती किस चीज की हो रही है, इन्हें गलती हो रही है विद दिस टू ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कि ये इन्होंने ना आपके मामले में अपने आप को कंफ्यूज रखा। हो सकता है इन्होंने आपसे बोला भी हो कि इन्हें अभी पता नहीं है कि आपके साथ करना क्या है, आपको दुविधा में छोड़ दिया, खुद दुविधा में रहे, खुद को क्रॉस रोड पे खड़ा कर दिया और आपको भी लाकर खड़ा कर दिया। आपको इस सेंस में लाया कि अब आप ये सोच रहे हो भाई मैं वेट करूं इस पर्सन का या मैं मूव ऑन करूं, और खुद इस मामले में कि भाई सामने वाले को लटका दिया है और मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, ये चीजें हैं। तो ये आपके मामले में बहुत ज्यादा दुविधा में थे, क्रॉस रोड में थे, ये चीजें दिख रही हैं। इस चीज का इन्हें, इस गलती का इन्हें एहसास हो रहा है, इसीलिए ये आपका वेट करके आपके साथ अब रिश्ते को कंप्लीट करना चाहते हैं, ये चीजें दिख रही हैं। आपके प्रति तो बहुत ज्यादा पैशनेट हो रहे हैं गाइस, यहाँ पर ये दिख रहा है 2 2 एसेस की एनर्जीज आई हैं, यानी कि अब इन्हें ना बस आपके साथ रिश्ते में आना है, इन्हें बस रिश्ते को वापस एक नया नाम देना है, वापस से रीस्टार्ट करना है, एक हेल्दी बिगनिंग करनी है। जो सिचुएशन आई थी ना थर्ड पार्टी को लेकर, ट्रस्ट इश्यूज को लेकर, उस चीज को अब सॉल्व आउट करके एक हेल्दी बिगनिंग में आना है, ये चीजें दिख रही हैं। उस चीज पे इन्हें काम करना है, उस चीज को इन्हें सही करना है, ये चीजें दिख रही हैं। और बहुत पेशेंसली ये बैठे हुए देख रहे हैं कि अब ये कैसे करें, ये काम जो ये करना चाह रहे हैं इस काम को ये कैसे करें, ये चीजें ये ज्यादा सोच रहे हैं, मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे गाइस ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो काम कर रहे हैं ना आपके पर्सन, तो ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ आप लोगों के बीच में दूरियां है, चाहे ज्योग्राफिकली दूरी हो, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो यहाँ पर ये ना ट्रैवलिंग करने के बारे में भी काफी ज्यादा वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये काफी ज्यादा ट्रैवल करके आपकी तरफ आने के बारे में भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये आप कंप्लीट होना चाहते हैं, अपने रिश्ते को कंप्लीट करना चाहते हैं, इसका कारण ये है। देखिए द ड्रीम तो हमें ऑलरेडी पता चल गया है गाइस कि यहाँ पे द ड्रीम का कार्ड क्यों आया है। इनर वॉइस को क्लैरिफाई करते हैं कि आपके पर्सन आखिरकार आपसे क्या सीक्रेट्स छुपा रहे हैं। ठीक है, ये क्लैरिफाई करते हैं गाइस। कीजिए यूनिवर्स, बताइए क्या छुपा रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनसे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 3 4
फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड फिर से आया है, टेन ऑफ कप्स एंड प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, कैप्रिकॉर्न एनर्जी और कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो देखो गाइस, आपके पर्सन बेसिकली ना ये छुपा रहे हैं आपसे फाइव ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, अपने आंसू आपसे छुपा रहे हैं, अपना अंदर का अकेलापन आपसे छुपा रहे हैं, और इन्हें जो डर लग रहा है ना आपके दूर जाने का, आपके रिजेक्शन का, जो इन्होंने आपकी लाइफ में गलत करा है उन चीजों का जो इन्हें डर लग रहा है ना, वो चीजें ये आपसे छुपा रहे हैं, अपने दिल में छुपा रहे हैं, ये चीजें दिख रही हैं। उसके अलग ये छुपा रहे हैं कि अब इन्हें आपकी कदर समझ में आ गई है, आपकी क्या इंपॉर्टेंस थी लाइफ में वो चीजें समझ में आ गई हैं, प्यार क्या होता है वो चीजें ये आपसे छुपा रहे हैं, ओवरऑल जो आप इनकी लाइफ में मायने रखते थे वो सब चीजें आपसे छुपा रहे हैं, ये चीजें दिख रही हैं। शायद आप अपने पर्सन के ये जो रीडिंग देख रहे हो, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, आप किसी मैरिड पर्सन से डील करते हो, या ये आपका सपना था, ठीक है। तो ये ना यही चीजें आपसे छुपा रहे हैं कि ये इस सपने के बारे में, इस फैमिली के बारे में क्या सोचते हैं आज की डेट में, ये इस सपने, इस ये जो आप लोगों का ये फैमिली है ना, इसके बारे में आज भी एक न्यू बिगनिंग की होप बनाए बैठे हैं, आज भी इसकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आज भी इसके बारे में ही सोचते हैं, आज भी इसी फैमिली के लिए, इसी सपने के लिए डिवोटेड हैं, आज भी आपके लिए ही डिवोटेड हैं, आपके लिए ही लॉयल बनना चाहते हैं, ये चीजें ही आपसे छुपा रहे हैं, यहाँ पर ये चीजें दिख रही हैं, ठीक है। तभी ये बहुत ज्यादा आपको विजुअलाइज कर रहे हैं, आपके बारे में बेनतहा सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो देखो गाइज, ओवरऑल गाइज देखो, ये बहुत ज्यादा सैड एनर्जी में है, और अपने इमोशन जो सैड वाले इमोशंस है ना, कि आप इनकी लाइफ में क्या मायने रखते थे, या ये आज भी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो होप आपसे छुपा रहे हैं, ये चीजें दिख रही हैं। देखिए, चलिए देख लेते हैं मूनोलॉजी से हमें और क्या बताया जाता है आप लोगों के बीच का ये जो भी सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, उसके बारे में मूनोलॉजी क्या बताती है। हैव अ फेथ इन योर ड्रीम, मूनोलॉजी आपसे बोल रहे हैं कि ये जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है ना, उस सिचुएशन के मामले में बस आपको विश्वास बनाए रखना है, ठीक है। ये जो आपका सपना है कि ये सिचुएशन सही हो जाएगी, इस मामले में ट्रस्ट बनाए रखना है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, आपसे बोला जा रहा है इस मामले में ना कॉन्फिडेंट रहो कि ये बंदा या बंदी मेरा है, मेरे पास ही आएगा, घूम फिर कर इसकी साइकिल मेरे पर ही अटकेगी। इस मामले में ना आपको कॉन्फिडेंट रहना है, जितना आप कॉन्फिडेंट रहोगे उतनी आपको सफलता मिलेगी, उतनी ही आप सफलता की तरफ बढ़ोगे, ये चीजें भी आपसे बोली जा रही है। एक कार्ड और देख लेते हैं, होल्ड योर विजन, आपसे बोला जा रहा है जैसे आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको विजुलाइज कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स में आपको शामिल कर रहे हैं, सेम आपको भी ऐसा ही करना है, ऐसा भी यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है, ठीक है, ताकि आपकी ये जो चीजें हैं ना अच्छे से विजुलाइज हो सके। रोमांस एंजल से देखते हैं, रोमांस एंजल्स इस सिचुएशन के मामले में क्या आपको बोलती है, ठीक है, गाइड कीजिए, मुझे बताइए क्या बोलते हैं आप सिचुएशन के मामले में। केमिस्ट्री, देखो गाइस, आपसे बोला जा रहा है कि आप लोगों की जो भी रिश्ता है ना, वो एक उसमें एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, उसमें एक स्पार्क है, उसमें एक बात है, मतलब आप दोनों की केमिस्ट्री ना किसी और के साथ जमेगी ही नहीं, ये चीजें आपसे बोली जा रही हैं। बस आप दोनों ही एक दूसरे को झेल सकते हो, कोई और नहीं झेल सकता, ओवरऑल ये बोला जा रहा है। ट्रू लव, आप दोनों का प्यार सच्चा है, आप दोनों ने एक दूसरे से ट्रू लव करा है, कोई प्लेफुल वाली एनर्जी यहाँ पर नहीं है, प्यार दोनों का सच्चा है, सिचुएशन हालांकि थोड़ी खराब हो गई है लेकिन ओवरऑल चीजें सही हो जानी है, सिचुएशन आपकी सही हो जानी है, ऐसा बोला जा रहा है। एक कार्ड और देख ही लेते हैं, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो देखो गाइज, आपसे बोला जा रहा है, बेसिकली मैंने सिचुएशन के लिए ही निकाला था, तो इस सिचुएशन को आपको बोला जा रहा है कि आपको इसे
कंट्रोल नहीं करना है, ये जो भी सिचुएशन है ना इसे अपने हाथ में कंट्रोल नहीं करना है, इसे नेचुरली सही हो जाने दो। नेचुरली सही होगी तो आपके फेवर में होगी, अगर आप जबरदस्ती कंट्रोल करके करोगे ना तो कल आपके ऊपर बात आएगी कि भाई आप जबरदस्ती कर रहे थे इसीलिए मैं आपकी लाइफ में आया या आई। तो इसे नेचुरली हो जाने दो, पर्सन को नेचुरली रियलाइज हो जाने दो, पर्सन को नेचुरली ही आपकी वैल्यू या कदर समझने दो, चीजें अपने आप सही होंगी, तभी आपके लिए भी बेहतर है, आगे आगे फ्यूचर के लिए भी, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है गाइस, आपके पर्सन बहुत सैड एनर्जी में है, रियलाइज हो रहा है उनको, बढ़ना भी चाह रहे हैं, काम भी करना चाह रहे हैं, ओवरऑल सब चीजें यहाँ पर उनकी दिखाई दी है। तो गाइस ये थी मेरी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, आप रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हो। अगर रीडिंग पसंद आती है, रीडिंग से कनेक्ट हो पाते हैं तो प्लीज बताइएगा जरूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छे अच्छे रीडिंग्स और अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय बाय।